यूपी के मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में इंडियन गैस का कैप्सूल नाले में पलट गया। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि कैप्सूल के अंदर गैस नहीं थी, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। धर्मपाल सिंह बताइए, जो आपका ये इंडियन ऑयल का कैप्सूल आज ये नाले में आके गिरा है, ये कैसे गिरा है हाईवे पे? सर हम काशीपुर खाली किए, कल की हमारी गाड़ी खाली, हमारे घर से आए। कहाँ जा रहे थे? इधर जा रहे थे कांडला। ये कैसे हुआ है सब? सर ऐसे हुआ कि आज हर का टर्निंग भी है जी, टर्निंग भी है, एक साइकिल वाले बचाने के चक्कर में हम दाने खींचे हैं, ब्रेक लिए हैं, लेकिन गाड़ी स्टेज में सीधी होनी सीधी। क्या किसी को चोट लगी है? ड्राइवर कंडक्टर चार आदमी गाड़ी में बैठे थे, चारों से। अच्छा, खाली इस टाइम ये भरा है? खाली खाली है। किस रोड की घटना है जी? ये किस जगह का घटना है? ये दलपतपुर है क्या? यहाँ से पूछने वाले से बताइए, दलपतपुर क्या पता नहीं करें। दलपतपुर है, दलपतपुर। नाम आपका? मेरा नाम मुजाहिद है जी। ये जो सड़क हादसा हुआ है, इंडियन गैस का जो कैप्सूल पलटा है, क्या मामला है? ये ऐसा है, यहाँ पे मोड़ जो बहुत खतरनाक है, 90 डिग्री का जो मोड़ है ये, और इस मोड़ पे जो आगे का दिखाई नहीं देता, सामने से गाड़ी आती है, कुछ जो है नाम है पोके पोके बन गए, उसकी वजह से इधर से आते हैं तो दिखाई नहीं देता। फिर ये जंप नहीं है, जंप होने चाहिए, स्पीड से लेकर आते हैं। क्या ये अतिक्रमण की वजह से ये हादसा हुआ है? जी, जो ठेले खोके लग रहे हैं जी, जी, दिखाई नहीं देते ना सामने से क्या रहा है। प्रशासन कभी इनको हटवाता नहीं क्या बात? प्रशासन जो हटवाना चाहिए प्रशासन को, इससे बड़ा हादसा हो सकता था जी। हादसा हो सकता है, अभी अगर कोई नीचे अगर दब जाता मरते ही, गैस भर हुआ होता है तो ये गैस फटता आदमी। भाई मकान है पीछे, यहाँ पर बस्ती है, यहाँ पर बराबर में बस्ती है, पीछे ये बस्ती है, ये एक्सीडेंट की वजह ये 50 मीटर की भी दूरी नहीं है, ये सामने बस्ती है, 50 मीटर भी नहीं है। क्या ये अतिक्रमण की वजह से ये हुआ है? दिखाई नहीं देता सामने का।